एक इस समय किसान भाई कुछ लोग अन्य किसानों को ये बरगला रहे हैं कि 11015 यही वैरायटी है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल 11015 ये बाहर से ला करके, और मुझे पता चला है कि ट्रकों में गन्ना लोग लेके आ रहे हैं अन्य प्रदेशों से और ला करके अपने क्षेत्र के किसानों को ज्यादा रेट पे उसको दे रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह 11015 किस्म ये हमारे उत्तर प्रदेश में ना स्वीकृत है और ना स्वीकृत होगी। ये स्पष्ट रूप से मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रायल हुए हैं इसमें लाल शरण रोग से प्रभावित है ये, और ये अपने प्रदेश में स्वीकृत नहीं होगी। ये ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट जा चुकी है, तो कृपया इसको 11015 को किसी भी दशा में ना बोएं, और जो लोग बाहर से ला करके और अन्य किसानों को बरगला रहे हैं, अधिक रेट पे दे रहे हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इस तरह के कृत्यों से बचें। अनावश्यक ये जो कार्य है जो निश्चित रूप से अन्य किसानों को के साथ धोखाधड़ी के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस तरह की किस्मों को बिल्कुल ना दें दूसरे किसानों को, और मैं किसानों से भी अनुरोध करूंगा कि इसकी बुआई कदापि ना करें। और गन्ना चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का जो वेबसाइट है या फेसबुक पेज है उस पे जो किस्में स्वीकृत है उस पे पड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का जो फेसबुक पेज है उस पे किस्म जो हमारे प्रदेश के लिए 69 किस्में स्वीकृत है वो पड़ी है। उनके अलावा आप नवी किसी भी किस्म की बुआई ना करें जिससे बाद में चल के कोई दिक्कत ना आए। होता क्या है कि अभी आप इन किस्मों को ला करके बुआई कर देते हैं, लेकिन बाद में जब इन ये किस्में रोग से प्रभावित होती हैं या कीट से प्रभावित होती हैं, तो फिर बातें फिर विभाग पे जाती है, शोध संस्थान पे आती है कि भाई आप लोग इसको देखिए, तो ये चीजें वहीं से शुरुआत होती हैं कीट और बीमारियों की। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो प्रदेश के लिए स्वीकृत किस्में हैं उन्हीं की बुआई करें। उसकी लिस्ट समय समय पर आपको अपडेट की जाती रहेगी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हर शनिवार को हम आपसे रूबरू होते ही हैं। कोई नई इस तरह की वैरायटी अगर रिलीज होती है तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगले शनिवार को पुनः हम आपसे हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़ी विस्तृत जानकारी आपने किस्मों की पहचान के बारे में आपने दिया। यह वीडियो इस पे पड़ा रहता है, इस पे अपलोड हो जाता है, कोई किसान भाई इसको विधिवत अगर नहीं समझ पाए हो तो ये वीडियो इस पे रहता है, आप बाद में भी इत्मीनान से देख सकते हैं, और इसको देख करके आप गन्ने की किस्मों की पहचान बखूबी कर सकते हैं। नमस्कार।